एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशान, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है डे 3 इन पुरी, और अभी आज हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर जा रहे हैं। वहाँ की साइड मतलब कि कुछ कुछ ये है जो हम कुछ कुछ ये कुछ कुछ जगह जाना है जहाँ हम लोग जाएंगे और मतलब कि ट्रैवल करेंगे। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग पूरे अच्छे से नहा धो के रेडी हो गए हैं और फुल्ली रेडी हो गए हैं। सो दिस इज़ द लुक आई एम वेरिंग, दिस इज़ द ड्रेस आई एम वेरिंग टुडे एंड दिस इज़ माय लुक। एंड पापा मम्मी भी रेडी हो चुके हैं और हम लोग आज ही चेकआउट भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी रात की ट्रेन है। तो हम लोग चेकआउट करके डायरेक्टली हम अपने लगेज वगैरह कार में ही रखेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्टली वहाँ उधर से ही हम स्टेशन भी चले जाएंगे। सो लेट्स गो। सो आपको ये वीडियो भी बहुत इंजॉय होगा। अगर आप मेरी पहले दो वीडियो नहीं देखी है पूरी की, तो आप मेरी पहले की ब्लॉग देख सकते हैं। आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देखना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स गो। अभी आप चेकआउट करते हैं यहाँ से और उसके बाद फिर चलते हैं घूमने। सो लेट्स गो। कार में बैठ गए हैं। सीरियस बात करो ना, हमको आईडिया नहीं है ताकि हम रात्रि में नहीं है इसीलिए। हम लोग पहुंच गए हैं एक, क्या नाम है पता नहीं, पूछते हैं उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे पहुँचे अभी, कितना बज रहा है अभी, बज रही है 10:51 हो रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे, फिर अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लिंगराज मंदिर। तो वहाँ जाएंगे पहले, यहाँ दर्शन यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ चलेंगे। लेट्स गो, लेट मी शो यू। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, चलो चलो अंदर चलते हैं। लेट मी शो यू। आपको सामने में शिव जी का मंदिर दिखेगा। हाँ, ये शिव जी का मंदिर है। एंड फिर वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया व्यू। एंड फिर हमने फिर जाके दर्शन किया एंड फिर अच्छे से वहाँ से निकल जाते हैं दर्शन करके। निकल चुके हैं, अब गन्ना पी रहे हैं क्योंकि प्यास लग रहा है। कुछ खाया नहीं है क्योंकि हमें मंदिर जाना था, ये भी मंदिर और एक और मंदिर जाना है लिंगराज मंदिर, इसलिए हमने कुछ खाया नहीं है, बस चाय और अब ये पी रहे हैं। उसके बाद फिर बाहर दर्शन कर लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग कुछ खा लेंगे। तो अभी तो गन्ना का जूस पी रहे हैं हम लोग। मोबाइल अलाउड नहीं है इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ, यहीं पर रख दे रही हूँ। तो चलो अभी लिंगराज मंदिर जा रहे हैं, तो मैं आती हूँ उसके बाद। बाय। ये है लिंगराज मंदिर, पूरा कैंपस है और वहाँ मंदिर है। अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है मोबाइल वगैरह। मैं अंदर से दर्शन करके आ गई, पापा मम्मी अंदर ही हैं तो वो लोग के लिए वेट करती हूँ मैं। बहुत पक्का गर्म है यार, पैर खाली है। अब हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर में, कौन सा भैया जा रहे हैं हम लोग? अभी केदारगौरी सिद्धेश्वर मुख्य चल रहे हैं। यहाँ पे आए हुए हैं, जस्ट बगल में ही है उस मंदिर के।
अब हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं और अब डायरेक्ट जाएंगे हम लोग उदयगिरी और खांडगिरी। सो लेट्स गो, वहाँ चलते हैं। बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा पैर भी चल रहा है। लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा था लेकिन कारीगिरी की और बहुत सुंदर। ये उदयगिरी हम लोग आ गए हैं, लेट्स गो अंदर चलते हैं। मेरा उदयगिरी हम लोग यहाँ चलते, चलो अंदर चलते हैं, लेट्स गो अंदर। हम लोग ऊपर आ गए हैं, ऊपर चढ़ाई है, चढ़ना पड़ेगा। 25 rupees पर पर्सन टिकट चार्ज है, एंट्री फी। सो लेट्स गो, ऊपर चलते हैं व्यू पॉइंट पर। इधर मम्मी पापा धीरे धीरे चलते हुए। बंदर है हाँ अभी। खूब सारा बंदर है यार। वो है खंडगिरी, वहाँ जाना है हम लोग को नेक्स्ट। वहाँ जाएंगे। बंदर है भाई, हम तो दूर रहे बंदर से। चलो घूमते हैं चारों तरफ। व्यू पॉइंट बहुत सुंदर है यार। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। नीचे थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह लेंगे हम लोग, ऐसे तो फोटोज वगैरह लेंगे यार, पर नीचे थोड़ी बहुत फोटो लेंगे एंड फिर चलेंगे। लेट्स गो। पापा वहाँ बैठ गए हैं बंदर लोग के साथ में। अब हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं, फिर अभी जाएंगे वो वाली पहाड़ पे, खंडगिरी में जाएंगे। उदयगिरी से अभी हम लोग उतर रहे हैं, वहाँ जाएंगे खंडगिरी। लेट्स गो, कहाँ जाना है? तो नीचे उतरते ही हमने खाया गुपचुप, मैंने, पापा और मम्मी ने गुपचुप खाया क्योंकि हमें भूख लग रही थी, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था उस टाइम तक में। तो थोड़ी बहुत हमने गुपचुप खाई और थोड़ी सी पेट भरी क्योंकि बहुत भूख लग रही थी उस टाइम पे। उसके बाद हम लोग चले गए खांडगिरी पहाड़ की तरफ, जो हमें ऊपर जाना था। पर उससे पहले हमने पिया ये नींबू सोडा, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और बगल में ही थे, तो हमने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं। फिर हमने जो पिया बहुत ज़्यादा यम्मी लगा, आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चली जाएगा, बहुत ही यम्मी था। हम लोग आ गए हैं खांडगिरी, चलते हैं। बहुत थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना है इसमें।
यहाँ का भुवनेश्वर का जितना भी हम लोग को घूमना था हम लोग घूम लिए। अब ना हम लोग बाहर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ऑलमोस्ट नीचे उतर गए हैं, नीचे उतरने वाले हैं बस। तो चलो पूछते हैं कहीं और घूमने का जगह हो तो, वरना फिर हम लोग वापस पूरी जाएंगे, फिर देखते हैं कुछ और। लेट्स गो। पोस्ट देखिए इसका। भागना मत, भागना नहीं, ले लो। बच्चा है ना। नहीं भागो नहीं। भाग गया उसको, हल्का सा छेड़ने से वो भाग गया। अब यहाँ से हम निकलेंगे, बस बंदर को खिला ही रहे थे तो चलो चलते हैं। किसी को चोट भी लगे, एक बंदर अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे दौड़ रहा था तो एक लेडीज गिर गई यहाँ पे, वो गिर गई। सो लेट्स गो, यहीं पे रेस्टोरेंट में, यही रेस्टोरेंट में प्योर वेज है, हम लोग यहाँ पे अभी लंच किए हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं अब, पूरी जाना है अब हमें, सो चलो चलते हैं। अभी बज रही है 4:34 और अभी हम लोग बीच में आए हुए हैं क्योंकि हमारी टाइम है ट्रेन में, तो हम लोग सोचे कि टाइम पास करने के लिए हमें बीच आ जाते हैं। और पापा आ रहे हैं। ठंडी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंडा हुआ चल रहा है। स्टेशन आ गए हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है 8:30 में। चलो शायद ट्रेन लगी हुई है, अब बैठ जाएंगे ट्रेन में। अब हम लोग जा रहे हैं रांची, यहाँ पापा मम्मी हैं, तो चलो चलते हैं। लेट्स गो। हम लोग घर पहुंच गए, बाबू बोला हाय। हम लोग घर पहुंच गए। सो गाइस हम घर पहुंच गए, अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो अभी जब अब हम लोग बस फ्रेश अप हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं।
मैं ये ब्लॉग यहीं पे ओवर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और ढेर सारा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।